हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MI का 9i स्पोर्ट स्मार्टफोन, जो कि मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से। तो आज मैं करने वाला हूँ इसकी अनबॉक्सिंग और आपको बताने वाला हूँ फुल रिव्यू इसके कि कैसा है इसका लुक और डिज़ाइन और क्या है इसका प्राइस और कितने GB का है, कौन सा कलर है इसका और कितने मेगापिक्सल है इसका कैमरा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इस बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। यहाँ से हम करेंगे इसको कट। तो यहाँ हमने बॉक्स को कर लिया है ओपन। ओपन करने के बाद हम इस बॉक्स को निकालते हैं बाहर, जो कि है Redmi 9i Sport का। तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इंडिया नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की स्पेसिफिकेशन की क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन। तो गाइस, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इसका बॉक्स। ऊपर लिखा हुआ है Redmi 9i Sport और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इंडिया नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड मेड इन इंडिया MI। तो साइड पे करके देखते हैं। साइड पे Redmi 9i Sport कार्बन ब्लैक कलर है, 4GB 64GB। ब्रांड है इसका Redmi। यहाँ ऊपर इन्होंने प्राइस भी दिया हुआ है 9,999 रुपीज़। तो पीछे की तरफ करके देखते हैं Redmi 9i Sport फास्टर 4G रैम हाई परफॉर्मेंस विद LPDDR4X। अगर मैं इसके स्टोरेज की बात करूं तो स्टोरेज है इसकी एक आती है 64GB की और एक आती है 128GB की। तो अगर मैं इसके बैटरी की बात करूं तो बैटरी है इसकी 5000mAh बैटरी है इसकी। 10W का चार्जर भी है इसके बॉक्स में। तो यहाँ पे इसके कैमरे की बात करते हैं। कैमरा है इसका 13MP रेयर कैमरा है और 5MP सेल्फी कैमरा है विद पोर्ट्रेट मोड पे। तो कार्बन ब्लैक कलर का है, 4GB 64GB। तो चलिए अब इसको ओपन करके भी देख लेते हैं निकाल के फ़ोन को। तो यहाँ हमने इसको कर लिया है ओपन, निकालते हैं इसको बाहर। तो गाइस, ये है Redmi 9i Sport। लुक इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पीछे कैमरा है इसका। तो चलिए इसको रखते हैं साइड पे, इसकी बाकी एक्सेसरीज देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक पिन दी गई है आपको और एक हमको दिया हुआ है डाटा केबल और चार्जर। चार्जर जो है वो 10W का है, मैंने आपको बताया, और एक डाटा केबल दी गई हुई है इसमें। तो डालते हैं इसको बीच में। तो अब हम जान देते हैं इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस। तो गाइस, अगर मैं इसके पीछे की बात करूं तो पीछे का बैक इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा क्लासिक लुक है इसकी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन दिया गया हुआ है इसमें। यहाँ एक साइड पे लाइन भी दी गई हुई है Redmi से लेकर कैमरे तक, जो एक इस स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन दे रहा है। यहाँ एक सिंगल कैमरा आ जाएगा और एक आ जाएगी फ्लैश, और एक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 13MP कैमरा। तो इसकी बॉडी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। चलिए अब साइड की बात करते हैं। तो साइड पर दो बटन दिए गए हुए हैं, एक दिया गया हुआ है वॉल्यूम वाला, हाई एंड लो वाला, एंड एक दिया गया हुआ है ऑन ऑफ वाला। और अगर दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पे सिम ट्रे दी गई हुई है, यहाँ पे आप अपनी सिम डालेंगे। और नीचे की बात करें तो यहाँ पे एक हमको स्पीकर दिया गया हुआ है और एक सॉर्ट दिया गया हुआ है चार्जिंग का। तो अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर हमको दिया गया हुआ है ऑडियो जैक, जो यहाँ पे हम अपने हेडफोन्स लगाएंगे। हेडफोन बॉक्स में नहीं है, वो आपको अलग से लेने पड़ेंगे। तो ये है Redmi 9i Sport का स्मार्टफोन। इसका लुक और डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे।
एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है इसका कैमरा, सिंगल कैमरा है, अगर ड्यूल कैमरा होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये है स्मार्टफोन, तो चलिए स्मार्टफोन को ऑन कर लेते हैं। आप तो यहाँ इसका ऊपर फ्रंट कैमरा दिया गया हुआ है, तो अभी ये स्मार्टफोन हो रहा है ऑन, देख सकते हैं आप। तो गाइज यहाँ पे हमारा फ़ोन हो गया है ऑन। तो आगे की स्पेसिफिकेशन जानते हैं इसकी। सबसे पहले हम अबाउट फ़ोन में जाएंगे। स्टोरेज है इसकी 64 GB, 128 GB का वेरिएंट भी आता है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसके बाद हम जाते हैं बैटरी एंड परफॉर्मेंस में। बैटरी इसकी यहाँ पे आती है 5000 mAh की, 5000 mAh की। नीचे इसका चार्जिंग पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताया है कि 10 W का इसका चार्जर है। तो इस फ़ोन की मुझे एक सबसे अच्छी खासियत लगी है वो है इसका पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे आप फेस लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका सेंसर नहीं दिया गया हुआ है, तो फेस लॉक अनलॉक वाला सिस्टम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसमें। बट सेंसर भी होता तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। तो चलिए अब हम इसके कैमरे की बात करते हैं। तो यहाँ हमने इसका कैमरा कर लिया है ओपन। तो देख सकते हैं आप इसका कैमरा पोर्ट्रेट मोड में भी आ जाता है इसका कैमरा। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में क्लिक करना चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। और ये आ जाएगा हमारा वीडियो का ऑप्शन, एंड ये आ जाएगा प्रो का। वो मैं आपको एक बार फ़ोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ कि कैसा है इसका कैमरा। तो देख सकते हैं आप इसकी क्लैरिटी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी है। कैमरा क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लगी है। तो अगर मैं इसके वीडियो क्वालिटी की बात करूं, देख सकते हैं आप इसकी वीडियो की क्वालिटी भी। ओवरऑल इस स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो प्राइस मैंने इसको परचेज़ किया है 8999 में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है और लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस कैसा लगा आपको Redmi 9i Sport का स्मार्टफोन? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर मैं इसके कैमरे की बात करूं तो 13 MP कैमरा है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो प्राइस के हिसाब से इसका कैमरा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बट मुझे जो एक बात अच्छी नहीं लगी वो यही लगी कि सिंगल कैमरा है, ड्यूल होता तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो गाइस ऐसी लगी आपको मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो? आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।